Eduroro, Gracia International Tournament 2003 Gold, 10 SAF Games December 2006 Gold, 11 International Boxing Tournament 2002 Gold. Now I welcome Dr. Savartan sir. स्ट्रेच करता है आपको प्रेशर गर्दन से ज्यादा आपको डोर्सल के आसपास का थ्रेशहोल्ड फील करना है. ये लॉक करने के बाद अब आपको जैकेट खोलना होगा सर. अब इसकी स्टनो की जो मसल है ना गर्दन की मसल ये इस पर आपका जब एडजस्टमेंट करेंगे इसका फोकस सिर्फ सामने स्टेनोक्लोइड मसल पे रहेगा इस मसल पे कि आप इस मसल को कितना ज्यादा रिलैक्स कर पा रहे हो. और अगर आप देखें कि इस मसल ज्यादा मूव नहीं कर रही है इसका मतलब यह है कि इसकी डोर्सल स्पाइन और C7 से नीचे रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा है. देखिए अब मैं जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहा हूँ थोड़ी थोड़ी मोबिलिटी मेरे स्टेनोक्लोइड के आसपास फील होना स्टार्ट आ रही है. तो हमें बस इसी को मोबिलाइज करना स्पेसिफिकली. हम कितना परसेंट प्रेशर लगाते हैं? 100% लगाओ जितना आप लगा सकते हो ठीक है. और यही फील करना है इसमें आप इनकी एनर्जी बचा के कुछ नहीं करोगे इसमें तो आपको जितनी स्ट्रेंथ लगा सकते हो उतना लगाना है. लेकिन ये ग्रिप इसके साथ पूरा टाइट हो जाए. ऐसा नहीं है कि ये मैंने ग्रिप इस तरह से किया कि ये ऊपर से निकल जाए या नीचे से निकल जाए तो उसकी इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे. तो इसका जो बायक्सिस हम डेवलप भी कर रहे थे अभी कुछ टेक्निकलिटीज पाइप की क्वालिटी नहीं मिल पा रही हमें है ना उसकी वजह से हमने भी डेवलप नहीं किया क्योंकि जो पाइप हमें मिल रहा है ये पाइप सिर्फ ऑन ऑर्डर बनेगा. ऑन ऑर्डर बनेगा तो जितना पाइप वो ऑर्डर कर रहे हैं वो कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही है कि हम उसको डेवलप नहीं कर पाएंगे. स्टील का पाइप ये सही से प्लेस नहीं किया. अब आई कैन डू इज द बेस्ट. और जितना ज्यादा पेट के आसपास आप देखिए मोबिलिटी फील हो रही है इसका मतलब ये कि प्रेशर सबसे ज्यादा नीचे तक जा रहा है. नेक तो यही पार्ट है भाई. हम नेक को यहां से नहीं देखते है. नेक की हमारी ग्रिपिंग कहां होनी चाहिए? इस पार्ट के आसपास में जहां पे हमें फील करना है. ये जॉइंट्स कौन से हो गए बताओ? कोई बताओ ये जॉइंट्स जो मैंने फिंगर रखे हैं ये कौन से हुए? कोई आइडिया है? C1, C2, C3 और इसको हम बोलते हैं एटिपिकल वर्टिब्रा. एटिपिकल वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रल बॉडीज की जो शेप होती है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती, डिफरेंटली होती है. C3 से लेके C5, C6 तक वो टिपिकल वर्टिब्रा कम ज्यादा करते हो ठीक है. उसी तरह से साउंड की आप बात करो जो रेसिप्रोकल साउंड आएगा जहां जितना ज्यादा टाइट होगा वहां भट भट का साउंड आएगा. या जॉइंट जितना रिलैक्स होगा वहां बहुत लाइट हल्का साउंड आपको महसूस होगा. तो गन से आप ये देखो अब ये साउंड से आप मेकआउट करो क्या है और इस साउंड से मेकआउट करो क्या है. आपको ये साउंड ज्यादा हार्ड लग रहा है कि ये एरिया ज्यादा टाइट है कंपेयर टू दी ये बहुत क्लियर साउंड है. ये देखो ये डिफरेंट साउंड है. ये और ज्यादा टाइट है और ज्यादा टाइट है ये और ज्यादा टाइट है. तो आप इससे जैसे थ्रस्ट देते हो जॉइंट और मसल्स टिश्यूज वहां पे जाके रिलैक्स होते हैं. इस एक्टिविटी को यूज करने के बाद मैं उसको कंफर्टेबली एडजस्ट कर सकता हूं. मैं इसलिए ये ज्यादातर लोग एक्टिविटी इसलिए यूज करते हैं. ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं कायरोप्रैक्टिक की. बहुत सारे लोग एक्टिविटर को जो मैंने देखा है कईयों के पास एक्टिविटर आ जाता है वो उसको एज ए थेरेपी यूज करने लग जाते हैं. इसका थेरेपी से कोई ये अपने आप में किसी को ठीक नहीं करेगा है ना. कि अगर मैं इसको 10 बार यहाँ पे ये कर दूं तो वेस्ट ऑफ टाइम है और किसी इंस्ट्रूमेंट को आप वेस्ट करते हैं. यानी कि आप देखो कि क्रिकेटिंग शूज आप फुटबॉल ग्राउंड पे पहन के जाओगे तो वेस्ट है उसी तरह से. तो हमें जब भी कोई एक्टिवेटर यूज करना चाहे तो ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखें कि आपको ये फील करना है. एक तो आपको पता है कि इस एरिया पे मुझे ये चीज पकड़ के आप जैसे ये खींचते हैं तो आप एक्चुअली पूरे सर्वाइकल को एडजस्ट नहीं कर रहे थे. आप सिर्फ सेगमेंट की जनरली आप देखेंगे उसके शोल्डर इसका आगे है तो किस जॉइंट के आसपास आप ज्यादा फील करेंगे? ये इस एरिया के आसपास सबसे ज्यादा फील करेंगे. तो क्या आप नीचे वाले सेगमेंट पे जा सकेंगे? नेक तो यही पार्ट है भाई. हम नेक को यहां से नहीं देखते है. नेक की हमारी ग्रिपिंग कहां होनी चाहिए? इस पार्ट के आसपास में जहां पे हमें फील करना है. ये जॉइंट्स कौन से हो गए बताओ? कोई बताओ ये जॉइंट्स जो मैंने फिंगर रखे हैं ये कौन से हुए? कोई आइडिया है? C1, C2, C3
और इसको हम बोलते हैं एटिपिकल वर्टिब्रा। एटिपिकल वर्टिब्रा यानी वर्टिब्रल बॉडीज की जो शेप होती है वो एग्जैक्टली वैसी नहीं होती, डिफरेंटली होती है। सी थ्री से लेके सी फाइव सी सिक्स तक वो टिपिकल। फॉलोइंग माई ग्रिप, मेरे फिंगर्स हमेशा यही रहेंगे और मैं जो थ्रस्ट लगाता हूँ मैं हमेशा जॉ के आसपास या इस जगह पे लगाता हूँ। इससे क्या होता है मुझे बहुत कम एनर्जी लगानी पड़ती है, मैं बहुत ज्यादा ना बेंड करता हूँ ना मुझे बहुत ज्यादा शोल्डर से या कहीं से एनर्जी जनरेट करने की जरूरत पड़ती है। मैं सिर्फ लेटरल आस्पेक्ट पे उसी तरफ एनर्जी अपना छोड़ के अगर मैं कुछ नहीं भी करूँ, अगर मैं इसको हटा भी लूँ, मैं सिर्फ हल्का सा इतना भी करूँगा तो भी ज्वाइंट खुल जाएगा। ये टेक्निक